हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे जरोदा के न्यू फीचर के बारे में कि न्यू फीचर क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग जरोदा पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जरोदा के न्यू फीचर के बारे में और किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने जरोदा के अकाउंट पर आएंगे। अकाउंट पर आने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को बाय करके देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर HDFC बैंक पर क्लिक करेंगे और बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा वैलिडिटी के अंदर मिनट्स का। डे और IOC तो ये दोनों ऑप्शन पहले भी आते थे जरोदा में, लेकिन जरोदा ने न्यू ऑप्शन ऐड किया है, वो है मिनट्स का। तो हम समझेंगे कि मिनट्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी वीडियो हम डे को और IOC को समझ लेंगे कि हम इन दोनों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और मिनट्स इन दोनों से किस तरीके से डिफरेंस है। तो हम तीनों को इस वीडियो में समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपके लिए ऊपर लेके आऊँ तो आपके लिए इस स्टॉक्स की करंट प्राइस दिखाई दे रही होगी। इस स्टॉक्स की करंट प्राइस चल रही है, वो चल रही है 1352 रुपये। अब यहाँ पर डालनी होती है हमारे लिए क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी हमारे लिए इस स्टॉक्स की बाय करनी है। तो यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को डाल सकते हैं। यहाँ पर डालनी होती है प्राइस की, किस प्राइस पर हमारे लिए इसको बाय करना है। जैसे इसकी करंट प्राइस चल रही है 1352 रुपये, और अगर हमारे लिए हम चाहते हैं कि स्टॉक्स की थोड़ा नीचे आए तब हम इसको बाय करें, क्योंकि ये अभी थोड़ा महंगा चल रहा है। एक अगर आपके लिए इससे और ऊपर बाय करना है, जहाँ पर भी आपके लिए बाय करना है उस प्राइस को आप यहाँ पर डाल सकते हो। और नीचे दो ऑप्शन आते हैं कि आप इस स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए बाय कर रहे हो या आप इस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो। ये आपके लिए डिसाइड करना होता है कि आप इसको इंट्राडे के लिए बाय करोगे या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करोगे तो लॉन्ग टर्म पे क्लिक कर दोगे, और अगर आप इंट्राडे के लिए बाय करोगे तो आप इंट्राडे पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आता है मार्केट लिमिट, यानी कि अगर आप मार्केट पे क्लिक कर दोगे तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है आप उसी पर स्टॉक्स को बाय कर लोगे। और लिमिट का मतलब है कि जो इसकी करंट प्राइस चल रही है आप उस पर स्टॉक्स को बाय नहीं करोगे। यहाँ पर आप लिमिट प्राइस डालोगे जिस भी प्राइस पर आपके लिए स्टॉक्स को बाय करना है। अभी हम जो ऑप्शन समझ रहे हैं डे, IOC और मिनट्स, ये लिमिट में काम करेंगे। अगर आप मार्केट पर सेलेक्ट कर दोगे तो मार्केट में तो इमीडिएटली हम स्टॉक्स को बाय कर लेंगे, तब हमारा इनका यूज किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। अगर हमारे लिए इन ऑप्शन को यूज करना है तब यहाँ पर आपके लिए लिमिट को सिलेक्ट करके रखना होगा। तो हम यहाँ पर लिमिट को सिलेक्ट करके रखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर लिमिट रखा, स्टॉक्स की प्राइस चल रही है 1351.60 रुपये, यानी 1351.52 के आसपास चल रही है। मैं डाल देता हूँ 1350 रुपये, यानी लिमिट में डाल दिया हमने 1350 रुपये। जब भी स्टॉक्स की प्राइस 1350 पे आएगी हम इसको बाय करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म ही रहने दिया, लिमिट पे रहने दिया। अब नीचे आ गए, यहाँ पे हम समझते हैं डे, IOC और मिनट्स में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम डे को समझ देंगे, डे का मतलब क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पर सब टू बाय पे क्लिक करूँ, यहाँ पर हमने डे को सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर अभी देख सकते हो कि यहाँ पर हमने डे को सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम IOC को समझेंगे और उसके बाद मिनट को। तो हमने डे को सिलेक्ट किया, सब टू बाय पे क्लिक किया, क्लोज जाएंगे और ऑर्डर्स में आएंगे। ऑर्डर्स में ओपन में आप यहाँ पर देखोगे कि हमने जो इसी करंट प्राइस चल रही है 1352 रुपये, और हमने 1350 का यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया। वहाँ पर हमने किसको सेलेक्ट किया था, डे को। तो यहाँ पर जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, जब तक आज मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा। यानी मार्केट क्लोज होने से पहले अगर स्टॉक्स की प्राइस 1350 रुपये पर आती है तो हम इस स्टॉक्स को बाय कर पाएंगे। डे का मतलब है कि मार्केट क्लोज होने से पहले सेम डे, जैसे आज हमने इस ऑर्डर को प्लेस किया है, तो आज ही मार्केट क्लोज होने से पहले स्टॉक्स की प्राइस अगर 1350 पर आती है तो हम इसको बाय करेंगे, और अगर 1350 पर नहीं आती है तो ये हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, फिर हम स्टॉक्स को बाय नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया डे का, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कैंसिल किया। वापस आते हैं, HDFC बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फिर से लिमिट प्राइस को 1350 ही कर देते हैं, 1350 लॉन्ग टर्म पे रहने देंगे, लिमिट रहने देंगे। अब हम समझते हैं IOC। अब यहाँ पर हमने IOC की सिलेक्ट किया, IOC का मतलब क्या है। IOC को सिलेक्ट किया, IOC को सिलेक्ट करने के बाद हम स्वैप टू बाय पे क्लिक करेंगे। स्वैप टू बाय पे क्लिक करने के बाद हम ऑर्डर्स में आएंगे, और आप यहां पर देखोगे कि हमारा ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। हमारे एग्जीक्यूट में आएंगे, एग्जीक्यूट में आप यहां पर देखोगे हमने इस ऑर्डर को तो कैंसिल कर ही दिया था, जिसको हमने डे पे क्लिक करके लिमिट पे बाय किया था। ये है हमारा IOC ऑर्डर, 1350 का लिमिट CNC। IOC मतलब है कि आप जो इमीडिएटली प्राइस चल रही होगी स्टॉक्स की, उसी प्राइस पर हम स्टॉक्स को बाय करेंगे। जैसे स्टॉक्स की करंट प्राइस चल रही थी, आप यहाँ पर देखोगे, मैं वापस लेके चलूँ, इसकी जो करंट प्राइस चल रही थी 1352 रुपये, जबकि हमने डाला था 1350 रुपये। तो 1350 और 1352 में डिफरेंस बहुत है, इसलिए हमारा वो ऑर्डर हो गया इमीडिएटली कैंसिल। जब हम IOC की सिलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब है कि जो आपने प्राइस डाली है उसी प्राइस पर स्टॉक्स की प्राइस चलनी चाहिए, तभी आप उसको बाय कर पाओगे। जैसे हम बाय पर क्लिक करें,
और यहाँ पर IOC सिलेक्ट है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी करंट प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर हम स्टॉक्स को बाय करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिनट्स का, तो मिनट में आप यहाँ पर देखोगे जैसे ही हमने मिनट को सिलेक्ट किया यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन और आ गया डे में, कि जब हम स्टॉक्स में जब हम डे को सिलेक्ट करते हैं तब हमारा ऑर्डर पूरे दिन के लिए पेंडिंग में रहता है कि दिन के अंदर अगर हमारी प्राइस पर स्टॉक्स आता है तो उसको हम बाय कर पाएंगे। IOC में जो उसकी स्टॉक्स की इमीडिएटली प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पर हम इसको बाय कर पाएंगे, वही प्राइस हमारे लिए लिमिट में डालनी होती है। और अब तीसरा ऑप्शन है मिनट्स का, जैसे हमने मिनट को सिलेक्ट किया यहाँ पर ऑप्शन आ गया मिनट्स का। अब यहाँ पर जो आप ऐसे प्राइस डाल रहे हो यहाँ पर 1350 रुपये और इसकी प्राइस चल रही है 1352 रुपये, यहाँ पर हमने डाला 1350। और अब यहाँ पर हम मिनट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं कि 10 मिनट तक ऑर्डर हमारा पेंडिंग में रहेगा, 15 मिनट तक रहेगा, 120 मिनट तक रहेगा, 90 मिनट तक रहेगा, यहाँ पे 1 मिनट से लेके 120 मिनट तक आप इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 10 मिनट कर दिया कि 10 मिनट के अंदर अगर इस स्टॉक्स की प्राइस 1350 पर आती है तो हम इसको बाय करेंगे, अन्यथा इसके बाद में इसको बाय नहीं करूँगा क्योंकि फिर उसके बाद में मार्केट को यहाँ पर नहीं देख पाऊँगा। तो अगर आप एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो आप मिनट्स पे क्लिक करेंगे, मिनट्स पे आप यहाँ पर मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप 5 मिनट के अंदर जो आपने प्राइस डाली उस प्राइस पर स्टॉक्स आता है उसको बाय करना चाहते हो, 3 मिनट के अंदर जैसे हमने 5 मिनट पे क्लिक किया और स्वैप टू बाय पे क्लिक करेंगे, क्लोज किया, ऑर्डर्स में आएंगे। अभी देखो यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर ओपन में दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे ही 5 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और अगर 5 मिनट के अंदर 1350 पे नहीं आता है तो ये हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर एक घड़ी दिखाई दे रही होगी कि ये टाइम हमारा यहाँ पर चलता रहता है, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मिनट को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ से मॉडिफाई नहीं हो रहा है मैं इस। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको मिनट्स का, डे का और IOC का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।